मालाड के अवैध कॉन्ट्रैक्टर के निशाने पर बीएमसी का भ्रष्ट अधिकारी। मालाड पूर्व के एक अवैध निर्माणकर्ता ने बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी को अपने चुंगल में फंसाकर लाखों रुपए का गैरकानूनी अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी मालाड पूर्व के पठानवाड़ी इलाके से है। मुंबई शहर में पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई रिश्वतखोरी करते हुए पैसे कमा रहा है तो कोई रिश्वत देकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होता गैरकानूनी कारोबार ही है, क्योंकि ज्यादा पैसा गैरकानूनी कारोबार से ही मिलता है, चाहे पकड़े गए तो जेल की हवा क्यों न खानी पड़े। ऐसा ही मालाड बीएमसी का गैरकानूनी कामकाज यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों का एक हिस्सा बन चुका है। यहाँ एक अवैध निर्माण को तोड़क कार्यवाही से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने भ्रष्ट मनपा अधिकारी को पैसे देकर वीडियो क्या बना लिया। अब तो वह भ्रष्ट मनपा अधिकारी उस अवैध कॉन्ट्रैक्टर के हाथों की कठपुतली बन गया है। खबर मालाड बीएमसी के प्रभारी पद निर्देशित अधिकारी सागर राणे की है, जिन्होंने इमारत बांध काम विभाग के जूनियर इंजीनियर प्रज्योत बोदले के साथ मिलकर मालाड पूर्व के वार्ड नंबर 43 में अंसारी कंपाउंड, वैशाद पाड़ा, ज्योति होटल के सामने पारेख नगर रोड से सटकर लगभग 8,000 स्क्वायर फीट की ओपन जमीन पर अवैध कॉन्ट्रैक्टर अशोक तिवारी और अल्ताफ शेख द्वारा बनाए जा रहे कुल 7 कमर्शियल गालों पर तोड़क कार्यवाही नहीं करने के एवज में 10,00,000 रुपये की रिश्वत ली थी, जिसका अवैध कॉन्ट्रैक्टरों ने पैसे देते हुए अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो बना लिया। इसी निर्माण कार्य को लेकर सैकड़ों शिकायत के बाद भी तोड़क कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे देने के बाद से धमकाना शुरू कर दिया था। अब उसी वीडियो के बल पर अवैध कॉन्ट्रैक्टर अल्ताफ शेख ने वार्ड क्रमांक 39 के इकबाल कंपाउंड, मल्लिका होटल के पीछे पठानवाड़ी इलाके में एक और अवैध निर्माण का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि सागर राणे तो पहले से अल्ताफ के चुंगल में फंस चुका है। अब सागर राणे की ऐसी हालत बनी हुई है कि लगातार शिकायतों और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर भी यहाँ लाचार मालूम पड़ रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड के सहायक आयुक्त किरण शिवाजी राव दिखावकर सारी हकीकत जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद प्रभारी पद निर्देशित अधिकारी सागर राणे को वह अपना दूध देने वाली गाय समझते हैं, जो किसी कारणवश बदमाश कॉन्ट्रैक्टरों के चंगुल में फंसल गए हैं, जबकि सरकारी किसी भी महकमों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अवैध निर्माणों के नीचे दबकर अब तक कितने ही लोगों के परिवार उजाड़ गए हैं। कई इलाकों में मातम तक का हाल देखा जा चुका है, तब पर भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में नमी नहीं है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को अगर रिश्वतखोरी ही करनी है तो किसी और विभाग में चले जाना चाहिए। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके साथ ही भ्रष्ट मनपा अधिकारी सागर राणे का अवैध कॉन्ट्रैक्टर के इशारों पर काम करते नजर आना समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मनपा के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि समय रहते जल्द से जल्द सागर राणे को पद से हटाकर जांच एवं निलंबन की प्रक्रिया की जाए, अन्यथा अवैध निर्माणकर्ता रिश्वतखोरी के सिर्फ एक ही वीडियो की आड़ में अवैध निर्माणों की बाट लगा दें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।